الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعوا الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يقوم الأشهاد يوم لا ينفق الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإكبار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إنا في صدورهم إلا الكبر إلا الكبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا مسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة آيات لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قالوا ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو الفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجهدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا
सुमालित बोलहु अशादुकुम सुमालित कुनु शुयूखन वमिनकुम मन युतवफ्फा मिन कब्लु वलेत बोलहु अजलम मुसम्मा वलअल्लकुम ताकिलून। ये सूरह गाफिर जिसे सूरह मोमिन कहते हैं, दोनों जगह से कसरत से सूरह मोमिन के नाम से ये पहचाना जाता है। कुरान मजीद का 40वां सूरा है और इसमें परवरदिगार ने अपनी बहुत सारी निशानियों का जिक्र किया है। कहते हैं तो इस्तकबार करने वाले कहेंगे कि अब हम सब की मंजिल यही है, गुरूर करने वाले सब ये कहेंगे कि ये मंजिल हमारी यही है। अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है, इसके बाद जहन्नम में रहने वाले जहन्नम के खाजिनों से कहेंगे, दरोगा से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक ही दिन हमारे अजाब में तख़फीफ कर दे, कमी कर दे, एक कमी कर दे। वो जवाब देंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल की खुली हुई निशानियां लेकर नहीं आए थे? ये जो 1,24,000 नबियों को भेजा, क्या नबी आपके पास इत्मामे हुज्जत नहीं किया, दलीलें नहीं बताई, वसूल नहीं बताए, कायदे नहीं बताए, कब क्या कैसे होगा? वो लोग कहेंगे बेशक आए थे। तो जवाब मिलेगा फिर तुम खुद ही आवाज दो, हालांकि काफिरों की आवाज और फरियाद बेकार साबित हो, मैदान-ए-महशर में चिल्लाने पुकारने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सजा की मंजिल। अगर आज इंसान अपने गुनाहों पे नादिम हो जाता है, तौबा करता है, इस्तगफार करता है, रोता है, तो ये इसे फायदा देने वाला कि चलो ठीक बंदे से गलती हो गई है, वो इस्तगफार कर रहा है, वो कह रहा है, तो परवरदिगार ने चूंकि दुआ का हुक्म दिया है लिहाजा इन बातों को सुनता है। बेशक हम अपने रसूल और ईमान लाने वाले की जिंदगी दुनिया में भी मदद करते हैं और उस दिन भी मदद करेंगे जब सारे गवाह उठ खड़े होंगे, जमीन गवाही देगी, लोग गवाही देंगे, यहां की तरह लोग भागेंगे नहीं, मामला सच है, हक है, लेकिन सच बात को भी सबूत के लिए गवाह चाहिए। कभी हमारा आपका मामला ठीक चल रहा है, बरसों चला, किसी मामले में मामला खराब हो गया, तुमने कहा था, अब कौन तीसरा है? तो यहां अगर जानते भी हैं तो कतराते हैं, लेकिन आखिरत में क्या होगा, लोग गवाहियां देंगे, वो जमीन गवाही देगी। ये नहीं है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ाला अल-इंसानु मा लहा यौमैज़िन तुहद्दिसु अख़बार, जमीन उस दिन खबरें सुनाएगी, यही पूरी जमीन स्क्रीन बन जाएगी, किस जमीन पे क्या हुआ, कहां पे खून बहाया गया, कहां पे लूटा गया, कहां पे बलात्कारी, क्या क्या हुआ, सब वो जमीन बताएगी, ये वीडियो बन जाएगी, बयान भी करेगी, शक्लें भी दिखाएगी। अब कौन इनकार करने वाला इनकार कर सके? आपने सोचा कि हमारे यहां शरीयत में अगर आप यहां नमाज पढ़ते हैं तो मुस्तहब है कि दूसरी नमाज दूसरी जगह, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह हमारी नेक कामों की गवाही दे सके। कभी कभी आप देखें कि हमें सदका ज़कात खून फितरा इन सब को भी है कि छुप के करें, क्यों करें? खुदा न खास्ता हालात ज़माना ने करवट ली, अब जब हम यहाँ लाइन लगवाते रहेंगे और किसी वक्त ना हुआ किसी सबब से, तो अब कुछ दिन हम अपनी इज्जत बचाने में लगेंगे और उसके बाद हमारी इज्जत भी जाने वाली है, इसलिए। और जब आदमी छिपा के करता है तो किसी को पता नहीं चलता कि हमारी मदद किसने की,
किसने की है, तो फिर लोग पीछा भी नहीं रखते हैं। यहाँ पे है कि जिंदगानी दुनिया में भी मदद करते हैं कौन? आइमा। इसमें कोई शक नहीं है कि परवरदिगार अपने मुखलस बंदों की मदद करता है और इन्हें तन्हा और लावारिस नहीं छोड़ता है, लेकिन इसके माना यह हरगिज नहीं है कि मोमिन बलाओं में और मुसीबतों से दो चार नहीं होता। होता इसलिए कि खुद आप उसूल काफी उठा के देखें तो आपको मिलेगा कि 40 दिन में ऐसा नहीं हो सकता है कि 40 दिन खाली चले जाएं और मोमिन किसी बला मुसीबत में मुब्तला ना हो। उसको परख ही जाता है जैसे सोने को गर्म करके हर चीज के टेस्ट करने, वैसे मोमिन को परखा जाता है बलाओं के जरिए से, मुसीबतों के जरिए से, आजमाइशों के जरिए से। तो ये तो हो के रहेगा, मर्द मोमिन बलाओं मुसीबतों से दो चार होगा। बलाएं सब्र के जौहर जाहिर करने के लिए जरूरी हैं और मसायब कमाल किरदार के लिए लाजमी हैसियत रखते हैं। क्या मुसीबत के वक्त हम किरदार क्या दिखा रहे हैं? हाय वावेला कर रहे हैं कि रजन बे कजा ही व तस्लीमन ले अंदे, या अल्लाह की रजा पे हम राजी हैं, परवरदिगार जैसे तू रख रहा है ठीक है। फिर आप देखें चुनांचे नुसरत खुदा मशरूत है, बंदे पहले दीन खुदा की मदद करें और दीन खुदा की मदद यकीनन मसायब की तलबगार है। इसके बाद खुदा कभी जाहिरी इक्तदार अता करता है और कभी दायमी इज्जत अता करता है। इसके कब मर्जे खलायक बन जाती है और दुश्मन का नाम व निशान तक नहीं रह जाता। जो इंसान अल्लाह के लिए नुसरत करता है, अल्लाह की मदद करता है, आप देखें मराजे उजाम, यानी अपनी सेहत की, जिसके पास सब कुछ है, क्या नहीं मोमिन देने के लिए तैयार है, लेकिन यही खाली, यही चटाई, यही आम, यानी एकदम से आप समझिए मिडिल भी नहीं आप कह सकते, बिल्कुल थर्ड तबके की तरीके से जिंदगी गुजारी जा रही। हाँ, जो थर्ड तबके में जरा सा कायदे के हैं उसमें, यानी सेकंड में भी नहीं गिन सकते, लेकिन जब अल्लाह इज्जत देता है तो पूरी जहान में बड़ी बड़ी हुकूमतें कांप रहे हैं। क्यों? इनकी जबान में वो तासीर है, इनकी मोमिनीन के दिलों में इतनी इज्जत है कि जो कुछ भी ये कहते हैं, क्यों? इन्होंने पहले दीन की नुसरत की। हमें मसाइल को बयान करने में, हमें दीन के पैगाम को पहुंचाने में कुछ भी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़े इंसान करता है। आज इतनी गर्मी में किसको अपना घर छोड़ना अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों ने छोड़ा, मस्जिद आए बैठे हैं, जो आपको बेड पे आराम मिलेगा वो यहाँ पे बैठने पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन किस लिए? कि थोड़ा सा हमें दीन की मालूमात हो सके, और मालूमात ही वो शय होती है जो अमल का पेश खैमा हो। जब हमें मालूम ही नहीं होगा तो हम अमल कहाँ से करें? तो जब हम दीन की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी जाहिरी तौर से भी मदद करता है, बातिनी तौर से भी मदद करता है। फिर आप देखें जिस दिन जालिमीन के लिए कोई माजरत कार घर न होगी, उनके लिए लानत और बदतरीन घर होगा। यकीनन हमने मूसा को हिदायत अता की और बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया। साहिब तफसीर कश्याफ ने काफी तहकीक के बाद यह साबित किया कि मौजूदा तौरेत वो किताब नहीं है जिसका बनी इसराइल को वारिस बनाया गया था, और इसका एक बड़ा सबूत यह है कि मौजूदा तौरेत के शारहीन ने किताब कामूस अल किताब मुकद्दस में यह नकल किया है कि बनी इसराइल के माना इब्रानी जबान में बंदे खुदा के नहीं है, बल्कि खुदा से लड़ने वाले और मुकाबला करने वाले के हैं। चूंकि हजरत याकूब ने तौरेत के बयान के मुताबिक रात भर खुदा से जंग की थी, लिहाजा इसका नाम इसराइल हो गया था। आज भी हर यहूदी का फर्ज है खुदा भी इसकी ख्वाहिश के सामने आ जाए तो रात भर इससे जंग करता रहेगा, कभी भी ये मुनहरिफ होने वाला नहीं। जो किताब मुजस्समे हिदायत,
और साहिबान अक्ल के लिए नसीहत का सामान थी, लिहाजा आप सब्र करें। अल्लाह का वादा यकीनन बरहक है और अपने हक में इस्तग़फ़ार करते रहें और सुबह और शाम अपने परवरदिगार की हम्द की तस्बीह करते रहें। बेशक जो लोग खुदा की तरफ से आने वाली दलील के बग़ैर खुदा की निशानियों में बहस करते हैं, इनके दिलों में बड़ाई के ख्याल के अलावा और कुछ नहीं है और वो उस तक पहुंच भी नहीं सकते। लिहाजा आप खुदा की पनाह तलब करें, वही सबकी सुनने वाला और जानने वाला। बेशक जमीन व आसमान का पैदा करने वाला दुनिया लोगों के पैदा कर देने से कहीं ज्यादा बड़ा काम है। लोगों की अक्सरियत ये भी नहीं जानती। याद रखो, अंधे और बीना बराबर नहीं हो सकते हैं। हल यस्तविल आमा वल बसीर, देखने वाले और न देखने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। जानने वाले न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। तो याद रखिए, बेशक जमीन व आसमान का पैदा करने वाला, जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमाल किए और भी बदकारों जैसे नहीं हो सकते, मगर तुम लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। बेशक कयामत आने वाली है और इसमें किसी तरह की कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इस बात पर ईमान नहीं रखते। देखिए, सिवाय कुरान के मानने वालों के कयामत पर किसका यकीन है? कुछ उनके यहाँ तो सर्कुलर में है, आज मरेंगे कल फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे, तो उनके यहाँ सर्कुलर चालू है। लेकिन हम भी उठाए जाएंगे, लेकिन इस दुनिया के लिए नहीं, जन्नत के लिए। अगर हमारे आमाल अच्छे हैं और हमने मुअज़्ज़बे इलाही कोई काम नहीं किया है तो इंशाअल्लाह हम जन्नत पे पहुँचेंगे। तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है, मुझसे दुआ करो। क्या? काला रब्बिकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा परवरदिगार का इरशाद है कि मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। यकीनन जो लोग मेरी इबादत से अकड़ते हैं अन करीब जिल्लत के साथ जहन्नम में दाखिल हो। यहां दुआ मुराद है। परवरदिगार आलम दुआ करने वाले को अपना बंदा कहता है और जो लोग दुआ नहीं करते उनको मुतकब्बिर बताया और मुतकब्बिर का अंजाम जहन्नम बताया। यानी जैसे बहुत सारे गुनाहान कबीरा हैं जिनके करने से इंसान जहन्नम में जाता है, इसी तरीके से दुआ न करने वाले को अल्लाह ने मुतकब्बिर जाना है और उसका ठिकाना जहन्नम बताया है। ये दुआएं नेकियों की शक्ल में तब्दील कर दी जाती हैं। देखिए, बहुत सारे कभी कभी कोई प्रॉब्लम अल्लाह रख देता है ताकि मेरा बंदा इसके जरिए से फरियाद करता रहे। किसी की सेहत अच्छी नहीं, किसी का कारोबार अच्छा नहीं, किसी के बच्चे अच्छे नहीं, किसी की बीवी अच्छी नहीं, किसी के मकान की प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर इंसान के पास है, ज़हनी, जिस्मानी, माली, किसी न किसी एतबार से। और इसके ईमान की वजह से अल्लाह उसे बाकी रखे। क्यों? जब चारों तरफ से सब मामला फिट होता है, दर्द आया, नमाज पढ़ा, उसे ज्यादा दुआ करने की जरूरत, सब कुछ ठीक चल रहा। कभी कभी कब नेमत ज्यादा मिल जाती है तब भी खुशी में कुछ अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं जो सज्दे शुक्र की बुनियाद पर, ये वाकई आज मौला ने कमाल किया, अल्लाह ने कमाल किया और इतना सारा हमने तसव्वुर भी नहीं किया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कुछ करते हैं अल्लाह के मुखलिस। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, सारे के सारे इंसान घाटे में सिवाय वो जो ईमान ले आए। तो कम बंदे ऐसे, लेकिन जब किसी तकलीफ में मुब्तला होता उस तकलीफ की तरफ मुतवज्जे होता है, दुआ करता है, तब अल्लाह कहता है कि हम इसे दुआओं को नेकियों की शक्ल में तब्दील करके मैदान महशर में रखेंगे।
यानी जैसे हम सदका निकालते हैं, ज़कात निकालते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ये नेकियां बनती जाती हैं, ऐसे ही दुआएं अगर इस दुनिया में कबूल हो जाती हैं तो अल्लाह का लाख लाख एहसान कि उसने हमें अता कर दिया, लेकिन जो हमने उससे मांगा था उसने दे दिया, अब हमारा इलाही बैंक में कुछ नहीं जमा। हम रोज निकालते रहे, कभी एटीएम से, कभी चेक से, कभी डिजिटल से, वहां अकाउंट साफ। लेकिन जब ये प्रॉब्लम की वजह से हम दुआएं करते जाते हैं तो हमारी नेकियां वहां स्टोर होती जाती हैं। हम कभी कभी मुंझा जाते हैं, हमने तो इतनी सारी दुआएं की, अल्लाह ने सुना नहीं, अल्लाह ने सुना हमने देखा नहीं, उसने इलाही बैंक में नेकियों की शक्ल में तब्दील करके रखा। बहुत से लोग जहन्नम में जाते जाते बच जाएंगे सिर्फ दुआओं के लिए, ढेर सारी नेकियां ला के रख दी। ये किसकी? मेरी तो नहीं, परवरदिगार, इतनी सारी तो मैंने की नहीं। दुआ का बहुत करता था, कबूल का सैकड़ों हजारों में कहा दुआएं कबूल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं। कहा वो जो हो गई वो भावनगर में रह गई, और जो नहीं हुई वही आखिरत में मिलने वाली है। अब बताएं, दुआ करना है छोड़ना नहीं, दुआ करना है छोड़ना नहीं। आप देखें बच्चे कितनी चीजें आपसे मांगते हैं, दादा से, दादी से, मम्मी से, भाई से, साल भर का है। अगर आप सोचे खाली टॉफी भी मांगता है वो, तो क्या आप उसे 10 दे देंगे, 20 दे देंगे? अरे एक खाएगा, दो खाएगा, तीन खाएगा, हजम हो जाएगी। लेकिन अगर यही बच्चा 2 घंटे में 10 खा जाएगा, पैसे भी हैं, 5 रुपए की टॉफी 50 रुपए की खा जाएगा, आपका कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अपनी ही तो औलाद है, अपना ही तो पोता है, अपना ही तो नाती है। लेकिन उसके बाद ये दादा एक देने के बाद बहानेबाजी क्यों करने लगते हैं, अम्मी क्यों बहानेबाजी करने लगती है, बाप क्यों करने लगता है? उसे जाहिर में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाप को मालूम है कि अगर आज 10 खिला दूंगा तो सुबह ही डॉक्टर के यहां वारा लेना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं से उधरा सर्दी किसी ना किसी चपेट में आ जाएगा, लिहाजा नहीं। अब अगर मोहब्बत है तो ये बंदा क्या करेगा, इसको डाइवर्ट करो दूसरी तरफ, काजू लेगा, देना तो है लेकिन अब टॉफी नहीं देना, अब इसको दूसरी तरफ घुमाना है। ये एप्पल लेगा बेटा, सेब खाएगा, केले लेगा। तो इसी तरीके से कभी कभी हम भी नहीं जानते हैं कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, ये वही छोटे बच्चे की तरह टॉफी वाला तो हाल नहीं है। तो वो जो बेहतर समझता है कि ये मांग तो रहा है ये, लेकिन ये चीज मेहनत नहीं, इसे ये दे दो। तो कभी कभी कुछ चीजें बगैर मांगे भी हमें अल्लाह दे देता है, लेकिन जो दुआ नहीं, क्या दुआ करें, अल्लाह को नहीं मालूम। अल्लाह ही कह रहा है कि अगर तुम दुआ नहीं करोगे तो मुतकब्बिर कहलाओगे, और मुतकब्बिर को अल्लाह जहन्नम में दाखिल कर देगा। तो दुआ के बहुत फलसफे हैं कि अल्लाह कब कबूल करता है कब नहीं करता, वो बेहतर जानता है। आप देखें मासूम ने मिसाल दी छठे इमाम में, किसी ने आगे कहा मौला काफिरीन की, फासिकीन की, जालिमीन की, इन लोग की बड़ी जल्दी दुआएं कबूल हो जाती हैं। सही से नहाया नहीं, 2 लोटा डाला, 4 छींटे पड़ी, जिस्म भी भीगा नहीं और पहुंच गए फटाफट। कहा देखो इनकी मिसाल ऐसी है जैसे खुदा ना खास्ता कोई जानवर, कोई इंसान जिसका जिस्म सड़ा हुआ हो, उसमें कीड़े बिंडला रहे हो और आपके सामने आ जाए कि जरा लाओ 5 रुपए, लाओ 10 रुपए, देने का दिल नहीं कह रहा, मुतवज्जे होने का दिल नहीं कह रहा है, फिर भी कहता यार इसे दो, हटे दे के भगाओ, यानी जितनी जल्दी दे दो उतना अच्छा है। का बस यही कैफियत इन जालिमीन और फासिकीन की है। अल्लाह इन्हें अपने सामने देखना भी गवारा नहीं करता, और इनकी हाजतों को पूरा करके इनको अपने दरवाजे से भगा देता।
फिर मोमिन की मिसाल दी कि मोमिन जब दुआ करते हैं तो परवरदिगार दुआ करता है, मकाम कबूलियत पे लेके पहुंचते हैं, अल्लाह इस बंदे ने इतनी बेहतरीन दुआ की, ऐसा किया ऐसा किया, अब क्या किया जाए, इसे कबूल कर ले। अल्लाह फरिश्तों से कहता है ठहरे रहो, अभी रुके रहो, अभी करने दो। क्यों परवरदिगार? नेक बंदा है, वजू करके आया है, नमाज हाजत पड़ी है, मासूमीन का वसीला दिया है, सलवात पड़ी है, आंखों में आंसू, सारे असबाब तो पूरे हैं, का इसका अंदाज दुआ इतना अच्छा लग रहा है कि दिल ये कहता है कि ये और थोड़ी देर दुआ करे, क्या कहना। अगर हमारा अंदाज दुआ परवरदिगार को पसंद आ जाए और वो यही चाहे कि हां करते रहो तो क्या कहना। क्यों मासूमीन की अंबिया की 12 साल याकूब रोए, जनाब याकूब, उसके बाद यूसुफ से मुलाकात हुई। अल्लाह चाहता था कि अपने नेक बंदे को देखे कि ये कैसे फरियाद करते हैं। तो मालूम यह हुआ कि दुआ हमें करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ही वो है जिसने तुम्हारे लिए रात को पैदा किया ताकि तुम इसमें सुकून हासिल कर सको और दिन को रोशनी का जरिया करार दिया। बेशक वो अपने बंदों पर बहुत ज्यादा फजल करम करने वाला है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इसका शुक्रिया अदा नहीं करती। वही तुम्हारा परवरदिगार है जो हर शय का खालिक और इसके अलावा कोई खुदा नहीं है। तुम किधर बहके जा रहे हो, इसी तरह वो लोग बहकाए जाते हैं जो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं। अल्लाह ही वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को मुस्तकिर और आसमान को इमारत करार दिया और तुम्हारी सूरत को बेहतरीन सूरत बनाया। इंसान एक नजर फकत अपने सरापे पर कर ले तो मारफत खुदा और ईमान और यकीन के लिए किसी दलील की कोई जरूरत ना हो। एक बालिश के, पैदा हुए बच्चे के जिस्म के अंदर कौन सी जरूरत का सामान है जो नहीं रखा गया, और कौन सी चीज है जो किसी नामुनासिब मकाम पर रख दी गई है। किसी भी अजो बदन को कम कर दिया जाए या इसे इसकी जगह से हटाकर देखा जाए तो अंदाजा होगा कि इंसान मौजूदा सूरत में किस कदर हसीन है और इस सूरत के बदल जाने के बाद कितना कबीहुल मंजर हो जाता है। ये तो इसका जाहिरी सूरत का हाल है, और इसके बाद मानवी याद पर निगाह की जाए तो इंसान के होश व हवास सलामत नहीं रह जाते। एक इंतहाई मुख्तसर से दिमाग में इस कदर सलाहियत, एक इंतहाई मुख्तसर से दिल में इस कदर इसके जज्बात और एहसासात, एक इंतहाई मुख्तसर वजूद में इस कदर तख्लीक और तसर्रुफ के इस्तेदाद और काबिलियत को माशाल्लाह। फिर इसके बाद इंसान को दो किस्मों में तकसीम करके हर एक के वजूद में दूसरे के वजूद की कमी के पूरा करने की सलाहियत रख दी और हर एक को दूसरे का मुकम्मल करार दे दिया। ये कमाल कुदरत और सनात की दलील नहीं तो और क्या है। परवरदिगार आलम वही तुम्हारा परवरदिगार है जो हर शय का खालिक है और इसके अलावा कोई खुदा नहीं है। तुम किधर बहके जा रहे हो, इसी तरह वो लोग बहकाए जाते हैं जो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं। अल्लाह ही वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को मुस्तकिर और आसमान को इमारत करार दिया, लिहाजा तुम लोग इखलास दीन के साथ इसकी इबादत करो। और सारी तारीफें उस आलमीन के परवरदिगार के लिए है जो हमारा खुदा है। आप कह दीजिए कि मुझे इस बात से मना किया गया है कि मैं इसकी इबादत करूं जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर परस्तिश के काबिल बनाए हुए हो, जबकि मेरे पास खुली हुई निशानियां आ चुकी हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन का इताअत गुजार बंदा बनूं। अज़ान गिरामी, एक छोटा सा वाकई आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ और बात को तमाम। आने वाली शब शबे विलादत फातिमा मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा, इंशाअल्लाह
ये शहजादी भी वाकई आप देखें जो अल्लाह की राह में कुर्बानियां देता है, परवरदिगार उसे साहिब करामत बना देता है। एक ज़माने में उम्मे मुकद्दस में थोड़ी सी बारिश की किल्लत हुई, पानी बरसना बंद हुआ था, क्या हो क्या न हो। अब हर इंसान ने अपने इतबार से दुआ की, लेकिन लोगों ने ये सोचा कि कुछ मखसूस अफराद शहजादी की बारगाह में हाजिर होकर दुआ करें ताकि बारिश हो जाए। जितने बुजुर्ग उलमा उस जमाने के थे उस पर निगाह दौड़ाई, 70 लोगों के करीब जो दिखे, फिर उसमें से भी 7 को लिया और 7 में से 3 का इंतखाब यहाँ तक पहुँचा कि ये शहजादी की बारगाह में पहुँच के तवस्सुल करें। ये लोग गए, अभी जरी के पास पहुँचे थे, दुआ कर रहे थे, मुनाजात कर रहे थे कि उनोदगी सी जारी हो गई, जैसे हल्का सा झटका आ जाता है इंसान का, सोने लगता है। तो उसी में एक आलिम को ख्वाब में देखा, उन्होंने कहा इतनी छोटी चीज के लिए तुम मासूमा की बारगाह में आ गए। आगे मिर्जा कुम्मी वो ख्वाब में आए, कहा अगर तुम्हें औलाद चाहिए, पानी चाहिए, रिस्क में उसात चाहिए, तो मैंने भी शहजादी की बहुत दिन खिदमत की, यहाँ मैं हरम की निगरानी करता था, जो कुछ यहाँ का काम था मैं करता था, मेरे पास आ जाते मैं दे दी। ये लोग चौंके तो कुछ नहीं, कहा नहीं चलना चाहिए। तो जिस कब्रस्तान में उनको दफन किया गया था वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जो भी आमाल कब्रस्तान के हैं, सलाम फातिहा ये सारी चीज़ें हुई, और उन्हीं के कब्र के वसीले से दुआ की, बारिश होने लगी। काम तो हो गया लेकिन फिक्र बाकी रही, जहन के अंदर मकसद तो हल हो गया लेकिन फिक्र बाकी थी कि ये तो हो गया, जब ये सारी चीजें ये शहजादी का खादिम दे रहा है तो ये भी तो उससे पूछना चाहिए था कि शहजादी से क्या मांगे, ये सब तो तू दे देगा, मामला तो पूरा हो गया। अब उसी में से एक आलिम जिनके पास एक अमल था कि अगर वो अमल 40 दिन किया जाए तो मुर्दे की रूह हाजिर हो जाती और उससे पूछ लिया जाए मामला, इन्होंने आगा मिर्जा की रूह को हाजिर करने के लिए वो अमल चालू किया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 40वें दिन आगा हाजिर हुए। वो भी जानते थे ये कौन है, उसी जमाने के थे, कोई लंबा जमाना नहीं गुजरा था कि शक्ल सूरत न याद हो। कहा ये बताओ मुझसे 40 दिन तुमने मेहनत करवाई, एक ही दिन के बाद आ गए होते। कहा आपने 40 दिन की नियत की थी तो मेरी क्या गलती, आप आ गए होते वहीं पूछ लिया होता मैं आपको जवाब दे देता, लेकिन आपने नियत की थी कि 40 दिन ये अमल करूंगा और इसकी रूह जब आ जाएगी तो उससे पूछूंगा। कहा बताओ 40 दिन तुमने मेहनत करवाई, पहले ही दिन आ गए होते। कहा देखिए अल्लाह का बंदा अल्लाह की इबादत में हायल नहीं होता, अगर हम पहले ही दिन आ जाते तो तुम फिर 39 दिन तो इबादत करते नहीं,
इस बात की कोशिश करते नहीं कि आपकी रूह आ जाए। लिहाजा आपने 40 दिन का नियत की थी, तो मैंने कहा जब आप भी अल्लाह के बंदे हो, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, तो अल्लाह के बंदे होने का तकाजा यह है कि अल्लाह की इबादत में रुकावट न पैदा करो। इसलिए मैंने ऐसा किया। कहा ये बताओ ये सब कुछ तो आप कर देते हैं। कहा क्यों ना करूं, इसलिए कि शहजादी की खिदमत की है। कहने का मकसद ये, जब शहजादी का खिदमतगार इस मकाम और मनसबे का हो सकता है, तो शहजादी कितने मौजजात है शहजादी। काफिर कहा शहजादी से अपनी मैदान महसर में शफात की दुआ करो, ये सब तो हम कर देंगे, चाहे रिस्क चाहिए, चाहे औलाद चाहिए, चाहे दौलत चाहिए, जो भी चाहिए ये सब। यानी सबसे अहम शय अगर कोई चीज है तो क्या है कि हम आखिरत में कामयाब हो जाए, आखिरत में कामयाब हो जाए, और आखिरत की कामयाबी से बढ़ के कोई कामयाबी नहीं। लिहाजा उन्होंने मुतवज्जे किया, अगर शहजादी के यहां तुम्हें कुछ मांगना है तो ये मांगो कि ऐ शहजादी, आपके वसीले से दुआ है कि मेरा खात्मा खैर पर हो और आप मेरी शफात मैदान महशर में करें। दुआ करते हैं परवरदिगार शहजादी के वसीले से कि हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए, मज़ारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमाए, उलमाए इल्लाम के सायों को हमारे सरों पे बाकी फरमाए, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब उनके ऐवान अंसार में शुमार फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीन और अपने मरहूमीन की रूह को इशारा। Thank you.